नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज दिन की दो अपराध से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली ये कि बावल थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना रेवाड़ी शहर के दुर्गा मंदिर की है, जहां चोरों ने दान पात्र से करीबन 1 लाख रुपए की चोरी की है। यहाँ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पहली घटना बावल की, रेवाड़ी में 9 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। बावल थाना पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए कहा है कि गाली गलौज की करने की रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक के गाँव के ही रहने वाले हैं। पुलिस के हत्या चढ़े बेरवाल गाँव निवासी आनंद उफ टाली और विजय दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने राकेश नाम के युवक की ईंट पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 10 जून को पुलिस गश्त के दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित साबन चौक के पास एक युवक का शव पुलिस को मिला था, जिसकी शिनाख्त बेरवाल गांव के राकेश के रूम में हुई थी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद तफ्तीश के दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें पुलिस को दो संदिग्ध मिले, जिनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वारदात की गुत्थी से पर्दा उठ गया। पुलिस का कहना है कि मृतक के गांव के ही आरोपी रहने वाले हैं, जिनकी गाली गलौज करने के कारण रंजिश बनी हुई थी और उसी रंजिश के चलते इन आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके। 9/10/2021 की रात को साबनपुर के पास ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसका खुलासा हो चुका है, जो उन्हीं के गांव के बेरवाल गांव के एक तो आनंद व दूसरा विजय नाम का लड़का इसमें संलिप्त है। इनको कल अरेस्ट किया जा चुका है, पुलिस रिमांड पर है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या उनकी पुरानी रंजस थी कोई सर? इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनके बारे में तुरंत दे दिया गया। वही दूसरी घटना रेवाड़ी शहर के दुर्गा मंदिर की है। रेवाड़ी शहर के 12 हजारी स्थित दुर्गा मंदिर के दान पात्र के पैसों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। मंदिर में चोरी की वारदात में शामिल दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक चोरों ने करीबन 1 लाख रुपए दान पात्र से चोरी किए हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि शुक्रवार रात करीबन 8 बजे एक चोर चुपके से मंदिर के ऊपर बने होल में चला गया और फिर वहीं चद्दर ओढ़कर छुप गया, जिसके बाद रात में चोर ने 2 दान पात्रों के ताले तोड़े और पैसे लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के मुताबिक एक बुजुर्ग विकलांग है, जो पहले रेकी कर रहा है और दूसरा चोर वारदात को अंजाम देने के लिए मंदिर में चला गया। पुलिस का कहना है कि एक चोर की पहचान हो गई है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि मेन बाजार में इस मंदिर में पहले भी इस तरह की चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है और आज बीकानेर गांव से भी एक ट्रैक्टर चोरी की घटना सामने आई है। और पिछले कुछ समय से जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिन्हें देखते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। कोई बंदा है, एक लंगड़ा आदमी है, वो उसकी रेकी करवा रहा है और एक लड़का जो बैग लिए हुए है, जो जीने से ऊपर चढ़ता है, शाम को करीब 8:30-9 बजे ऊपर चढ़कर छुपकर सो जाता है और उसके बाद रात के टाइम में वो कैश निकाल कर चोरी करता है। एक बंदा जो ये अपने जो मंदिर के जो कमेटी है उन्होंने चिन्हित कर लिया है, उसको हम अभी ट्रेस आउट कर रहे हैं और 100% ये ट्रेस आउट हो जाएगा। सर, बात करें कैश की, तो कितना कैश लगभग चोरी हुआ? कैश अभी ये फिक्स बताएंगे, पूरी जो भी डिटेल है वो फिक्स बताएंगे। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी, सुबह 6 बजे हमें इतला मिली थी, उसी वक्त हम मौके पर आ गए थे, सारा सब कुछ स्पष्ट है, फुटेज देख लिए हैं, पेन ड्राइव में वो डलवा रहे हैं और जल्दी ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें एक बंदा इन्होंने शनाख्त किया है, अगर वो सही शनाख्त है तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ।